दोस्तों अभिषेक कुमार का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये तो अभिषेक कुमार अब ताना मारने का काम कर रहे हैं। ताना किसको, तो नाम है आसिम रियाज का। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भाई आसिम रियाज जब खतरों के खिलाड़ी में थे, शो को टीआरपी मिल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने बोली वो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई ये कहा जा सकता है। लेकिन जब वो शो से बाहर हुए तो डेफिनेटली टीआरपी थोड़ा सा गिरा था, लेकिन अब टीआरपी दोबारा से बढ़ा है, वजह अभिषेक बताए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ शायद ये ट्वीट उनका आया है, मैं आपको ट्वीट वो पढ़ के सुना देता हूँ, और उसके बाद कुछ कमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। मतलब अभिषेक का ही ट्वीट है, अभिषेक के अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। अभिषेक लिखते हैं, टीआरपी क्या आई, ओ बढ़ गई, ये तो होना ही था, जय माता दी, हैशटैग ब्लेस्ड। आप देख सकते हो ये ट्वीट है अभिषेक कुमार का। जिसके बाद कोई लिखते हैं कि भाई इनडायरेक्टली टॉन्ट तो अच्छा दे रहे हो। कोई लिखता है कि भाई कुछ काम भी कर लिया, अगर सारा दिन खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू देना ही रह गया क्या तुझ पे। कोई लिखता है कि भाई तुम हो इसकी वजह से टीआरपी नहीं आ रही है, खतरों के खिलाड़ी की ऐसा शो है ना जो हमेशा से जिसकी टीआरपी आती रहती है। कोई लिखता है कि भाई कहाँ गए वो मजदूर जो कह रहे थे टीआरपी खत्म हो जाएगी, अखड़ दिखाने वाली कि आज बहुत जल रही होगी। यानी कि ये भी दोबारा से कुछ फैंस हैं जो इनडायरेक्टली आसिम रियाज के फैंस और आसिम रियाज को ही टॉन्ट मार रहे हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, धन्यवाद।